बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ऊंट गाड़ी पर बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलराम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर ऊंट गाड़ी पर बैठकर रैली निकाली। किशनगढ़ बास कस्बे के बाईपास स्थित सावन वाटिका होटल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलराम सिंह यादव के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के विरोध में ऊंट गाड़ी पर बैठकर करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय कर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग कार्यालय के गेट पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला जलाकर जबरदस्त नारेबाजी की। कांग्रेस कमेटी के जिला महासचिव ने बताया कि आए दिन पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की दरों में वृद्धि से आम जन का जीना मुश्किल हो गया है, जिस कारण सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के विरोध में हमने ऊंट गाड़ी के साथ में मुख्यमंत्री का पुतला फूंक करके विरोध प्रदर्शन किया है। सावन वाटिका से ऊंट गाड़ी के साथ बिजली घर पे आकर के मुख्यमंत्री का विरोध प्रदर्शन कर और पुतला फूंका है, जिससे बिजली की कटौती को लेकर के और अघोषित बिजली कटौती और VCR के विरोध में वहाँ मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है। उसके बाद ऊंट गाड़ियों के साथ में SDM को ज्ञापन दिया है क्षेत्र में बिजली कटौती और पानी की समस्याओं को लेकर के, और देश में महंगाई के मार्ग को झेलते हुए ग्रामीणों के साथ में आज ऊंट गाड़ी में बैठ करके नए SDM के पास ज्ञापन लेने आए हैं हम सभी। डीजल पेट्रोल की वृद्धि को कम करने के लिए और रसोई गैस के कीमतों को कम करने के लिए क्षेत्र में बिजली और पानी की सुविधाएं बढ़ाने के लिए आज हमारा विरोध प्रदर्शन और धरने का कार्यक्रम था, जिसमें हमने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका है और SDM को ज्ञापन दिया है।